इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स का एडोबी इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन सेशन लेसन नंबर 2। इसमें हमने देखना है कि हम एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, उसके बारे में क्या मालूमात हमें यहाँ होना जरूरी है। अभी हम एडोबी इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के ऊपर मौजूद हैं, कोई डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हुआ हुआ। वेलकम विंडो को हम कवर कर चुके हैं, वो हमने यहां बंद कर दिए, वो हमारे सामने मौजूद नहीं है। अब हमने देखना है कि एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जब हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, किसी भी असाइनमेंट के ऊपर काम शुरू करते हैं, तो क्या स्टेप्स हमें लेने होते हैं। सबसे पहले हमने अपना वो वर्किंग एरिया बनाना होता है कि जिसपे हमने कोई भी अपना असाइनमेंट या प्रोजेक्ट करना है। इसके लिए हम फाइल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाते हैं, क्लिक किया, फाइल का ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने आ गया। इसमें हम देख रहे हैं कि न्यू कंट्रोल एन जिसकी शॉर्टकट है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट शिफ्ट कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट है, ओपन कंट्रोल ओ, और ओपन रिसेंट फाइल्स यानी जिन फाइल्स पे आप रिसेंटली काम कर चुके हैं उनकी लिस्ट आपके सामने यहां से आएगी, आप डायरेक्टली उनको ओपन कर सकते हैं। हमने यहां देखना है कि हमने एक नया वर्किंग एरिया बनाना है तो वो किस तरीके से बनाना है, लेकिन हम थोड़ी सी इनके बारे में भी जो हमारे पास ऑप्शन है उनको कवर कर लेते हैं। न्यू से मुराद नया डॉक्यूमेंट बनाना है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट यानी टेम्पलेट्स जो आपके पास एडोबी इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करते हुए साथ इंस्टॉल हुए उनको अगर आप ओपन करना चाहते हैं, अगर फुल सीडी वर्जन आपने इंस्टॉल किया है तो आपके पास ओपन होंगे। आप यहां क्लिक करके या शिफ्ट कंट्रोल एन के जरिए से आप जो डायलॉग बॉक्स आएगा वहां से आप पैथ देंगे टेम्पलेट का और टेम्पलेट को आप ओपन कर सकेंगे। ओपन सिंपल एडोबी इलस्ट्रेटर की कोई भी फाइल अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए ओपन की ऑप्शन आपके पास है। हम एक नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, न्यू पे हमने क्लिक किया। शॉर्टकट्स को याद करने की कोशिश करें क्योंकि इससे आपकी वर्क फ्लो पे बहुत फर्क पड़ता है, टाइम सेव होता है और काम की स्पीड काफी तेज हो जाती है। क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आया, इसको मैं कैंसिल करता हूं। एक और अहम चीज आपको यहां बताऊं, फाइल न्यू, आप देखेंगे न्यू के आगे तीन डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट के आगे तीन डॉट्स हैं, ओपन के आगे तीन डॉट्स हैं, ओपन रिसेंट फाइल्स आगे डॉट्स नहीं है, आप देखें क्लोज के आगे सेव के आगे नहीं है, सेव एज के आगे है। तो इन तीन डॉट्स का मतलब ये होता है कि इसको क्लिक करने से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहां से आप आगे मजीद ऑप्शन उसकी कवर करेंगे, उसका पैथ देंगे, उस फाइल का लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे या फिर कोई और डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। न्यू को क्लिक करने से आप देखेंगे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आया, यहां हमने वो पैरामीटर्स ऐड करने हैं जो हमने अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक अपने वर्किंग एरिया को बनाने के लिए इस्तेमाल करने हैं। फाइल का नाम आप यहीं से दे सकते हैं, बिल्कुल हम यहां फाइल वन अपनी इस फाइल का नाम रख लेते हैं। कस्टम साइज हमारे पास है जो कि पहले से डिफाइन हुए हैं, अगर इनमें से कोई साइज आपको चाहिए A4, A3, B5, B4 वगैरह के लेटर लीगल साइज हैं, अगर इसमें से आपको कोई साइज समझ में आएगा या आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक है तो डायरेक्ट ऐड कर लें, लेकिन किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए या बिगनर लेवल के ऊपर बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं करते, हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन हम यहीं से ऐड करते हैं। यूनिट्स पॉइंट्स में, इंचज में, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर वगैरह में, जितना भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। पॉइंट्स में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, आप देखिए कि 360x360 का ये डॉक्यूमेंट हमें कुछ समझना मुश्किल होगा क्योंकि हमारे स्केल के ऊपर हमें मुश्किल होगी इसको समझने में, इसलिए हम अमूमन इंचेस के अंदर ही काम करते हैं। अभी इस वक्त जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो 5 इंचेस बाय 5 इंचेस का है, ऐड हुई हुई है इसकी पैरामीटर्स के, हम यहां से A4 साइज कर लेते हैं क्योंकि जब आप काम शुरू करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर तो इंचेस के अंदर आपका ऑलमोस्ट यही साइज आएगा, 8x11 का जो साइज हमारा होता है A4 का। इसके बाद देखेंगे ओरिएंटेशन, हमारी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है और लैंडस्केप ओरिएंटेशन है, आप देखिए कि हाइट और विड्थ की जो पैरामीटर्स हैं ये बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, विड्थ 8 है और हाइट 11 है, अब देखिए कि विड्थ 11 होगी और हाइट 8 होगी। ओरिएंटेशन इसकी चेंज करने से आप देखिए कि जो हमारी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है उसकी हाइट ज्यादा है विड्थ कम है, और लैंडस्केप की विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है। इसके बाद हमारे पास कलर मोड है, इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स का एडोबी फोटोशॉप का कोर्स अगर आप कर चुके हैं तो कलर मोड को समझने में आपको बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं आएगी, इसकी तफसील में हम यहां नहीं जाएंगे क्योंकि तफसील जो हमने इसके कंप्लीट कोर्स के अंदर मुकम्मल करनी है जो कि आपने इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स से हासिल करना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन है। CMYK मोड और RGB मोड, इसकी कलर की डिटेल अगर आप इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स का एडोबी फोटोशॉप का कोर्स कर चुके हैं तो आपको मालूम होगी, अदरवाइज ये कि हम कंप्लीट कोर्स के अंदर इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। ओके किया, ओके करते हैं, हमारे सामने डॉक्यूमेंट बन गया जो हमने बनाया था, आप देख रहे हैं कि हमने लैंडस्केप ओरिएंटेशन रखी थी तो हमारी विड्थ ज्यादा है हाइट कम है, इसको हम बंद करके सेव हमने नहीं करना, फाइल न्यू पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ओके
हाइट ज्यादा है, वेट कम है, ये हमारी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, जैसे हमारे प्रिंटर का पेज होता है A4 साइज का। स्केल इसके ऑन करने के लिए कंट्रोल आर की शॉर्टकट है, आप देखेंगे 8 इंचेस इसकी वेट है और 11 इंचेस इसकी हाइट है, जूम आउट करके इसको देख सकते हैं। तो ये हमने एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया, हम ये जानिए कि जब हमने एडोब इलस्ट्रेटर में काम करना है तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें किन मराइल से गुजरना जरूरी होता है।